आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ग्रिड बनी हुई है, तो इस ग्रिड को हम लोग कैसे सेट करते हैं, लाइक इनके बीच में ग्रिड के बीच में डिस्टेंस कितना रखते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रिड है, इनके बीच में प्रॉपर एक डिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे एक मेजर लाइन्स है। और सर यहाँ पे देखिए, अगर दूर से आप देखें तो आपको दिखेगा यहाँ पे, देखिए एक मेजर लाइन यहाँ से तरह से दिख रही है, एक मेजर लाइन जो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है, ठीक है, ये देखिए ये दिख रही है, और ये कॉमन ग्रिड्स हैं, राइट। इनकी हमें सेटिंग करनी पड़ती है कि हम कितने ग्रिड जाने के बाद मेजर लाइन को पाएँ, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, यहाँ पे भी हम देखेंगे दूर से कि कितने ग्रिड पे आने के बाद हमारी सेटिंग आ जाएगी। तो इस सेटिंग को देखने के लिए हम लोग को यहाँ पर सेट करना, यहाँ पर आपको स्नैप टॉगल होता है, मतलब स्नैप की सेटिंग यहाँ से होती है, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना होता है, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जैसे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा होम ग्रिड, ठीक है। जैसे आप ग्रिड पर क्लिक करेंगे सर, अभी देखिए यहाँ पर ग्रिड का जो स्पेसिंग है कितने दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था यूनिट सेट करने के लिए सर, ठीक है, तो यूनिट सेट कर लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि हम सारे काम टूल्स को मतलब किसी फीट और इंच में करने वाले हैं, तो आपके आपको कुछ नहीं करना है, आपको कस्टमाइज पे जाके यूनिट सेटअप पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से आपने फीट कस्टमाइजेस कर दो और फिर से वही स्नैप टॉगल कॉल किया, तो यहाँ पर आपको फायदा क्या होगा, आपको यहाँ पर क्लियर होता रहेगा 10 इंचेस, ठीक है। अब से यहाँ पर एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड के बीच में स्पेसिंग जो हमारी है वो 10 इंचेस की है सर, ठीक है। तो अगर हमें बढ़ाना है, लाइक हम जैसे क्या करें, कोई हम स्टेयर बना रहे हैं, ठीक है, तो स्टेयर का जो ट्रेड होता है वो 9 इंचेस का होता है, तो हम क्या कर दें, सीधे इसको 9 इंचेस कर दें, इजीली हमारा ग्रिड जो 9 इंचेस होगा बना, इजीली हम अपने उसको बना सकते हैं, राइट। वैसे यहाँ पे देखिए मेजर लाइन्स एवरी एंथ लाइन्स, मतलब कितनी लाइन के बाद हमारी एक मेजर लाइन है, जैसे जो मेजर लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, जिससे मेजर लाइन आपको देखा नहीं, मेजर लाइन्स अब ये कितने लाइन के बाद आ जाए, तो देखिए 10 ग्रिड के बाद वो आती है मेजर लाइन, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि 10 ग्रिड के बाद नहीं और बाद में आए, ठीक है, तो आप क्या करो, इसको बढ़ाना स्टार्ट करो, देखिए बढ़ रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे कि यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, तो इस क्या करिए, हम देखिए क्या लिखे हो, पर्सपेक्टिव व्यू ओरिएंटेड एक्सटेंट, पर्सपेक्टिव व्यू ये है हमारा, ठीक है। इसमें कितनी ग्रिड्स हों, तो इसमें देखिए 7 ग्रिड दिखा रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो बढ़ाने के लिए बस इसको आप इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दीजिए, देखिए बढ़ता चला जा रहा है जितना ग्रिड आपने दिया, अब और बढ़ा दीजिए, अभी ऐसे बढ़ा दें। अब देखिए जो मेरा ये मेजर लाइंस एवरी एंथ लाइंस दिया है ये कितने पर है, 20 पे, तो ये देखिए हमारी 20 हैं, आप काउंट कर सकते हैं, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो मतलब कि टोटल हम 20 पे सेट करें, अगर हम इसको कम कर दें, अगर हम इसको 10 कर दें, बाई डिफॉल्ट नंबर 10 पे रहता है, ठीक है। ये देखिए अगर हम इसको लाइक 8 पे कर रहा हूँ, 6 पे कर रहा हूँ, ये देखिए देखिए पास पास आ रहा है, थोड़ा सा और कर दीजिए, ये देखिए दिख रहा है ना सर, ठीक है। तो ये हमारी जो है मेजर एंड लाइंस, जितने हम सेट कर देंगे, 10 पे सेट है तो ये 10 पे आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, सबके बीच में 10 है, ठीक है। और ये हम लोग पर्सपेक्टिव व्यू में जनरली हम लोग 7 लेके चलते हैं, जैसे छोटा सा ग्रिड में अगर हमें सेट करना है तो हम सेट करते हैं। इस ग्रिड की शॉर्ट की मैंने आपको पहले बताई थी, जी लिख के क्लिक करेंगे गायब हो जाएगा, और जी लिख के क्लिक करेंगे ये हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपने ग्रिड की सेटिंग करते हैं, ठीक। अब ग्रिड की सेटिंग करने के बाद आपको लाइक जैसे कि अभी हम लोग बनाए, जिसमें सर तो एक सेटिंग होती है, यहाँ कस्टमाइज पे जाके लाइक यहाँ पे कस्टम UI पे करते हैं, तो जैसे कि अभी हम लोग आगे सर करने वाले हैं, तो लाइक हम जैसे कि वीडियो रेंडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास नॉर्मल मैक्स चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग उस टाइम पे क्या करते हैं, कस्टम रेंडर में हम लोग यहाँ पे मैक्स वीडियो कर देंगे, अभी हम नहीं कर सकते, ये कस्टमाइज की सेटिंग है, तो इसको अभी हम नहीं करेंगे, जब हम करना होगा तो हम करेंगे, ठीक। और यहाँ पे देखिए तो हमारा जो अभी सेट है वो क्या सेट है, इस तरह का हमारा वॉलपेपर नहीं है ना हमारे स्क्रीन का, हमारे स्क्रीन है डार्क, राइट। तो ये सेट हुआ है बाय डिफॉल्ट, ये UI में सेट हुआ है, ठीक है। अगर आपको इस अगर आपने देखा, अगर कोई यूट्यूब वगैरह पे आप ट्यूटोरियल देखेंगे तो कुछ पुराने जो वर्जन से 10 जो था, ये 10 का सिंबल है, तो उसमें मैक्सिमम ये हमारा स्क्रीन होता था, राइट। और अभी हम लोग ये लेते हैं UI का, ठीक। और इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देना पड़ता है सर, यहाँ पर प्रीफ्रेंस पर क्लिक करना पड़ता है। प्रीफ्रेंस पर क्लिक करने के बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अभी आपको जानना पड़ेगा सर, यहाँ पर फाइल्स पर हमें क्लिक करना पड़ता है। लाइक अभी जैसे हम इस पर कुछ मटेरियल, अभी जैसे कुछ ऑब्जेक्ट बनाए, जैसे कल हम लोगों ने बेडशीट बनाया था, तो बेडशीट को अगर कलर दिया, ठीक है, और फिर उस बेडशीट को किसी दूसरे सिस्टम में आप खोलेंगे, वहाँ उसका कलर दिखाई नहीं देगा, आप उसका कलर नहीं दिखाई देगा। आपने कोई अच्छे से डिजाइन किया, उसका पेंट किया, उसको पेंट किया है, अगर दूसरे सिस्टम में क्लिक करेंगे तो दिखाई नहीं देगा,
क्यों क्यों उसकी उसका पाथ जो है ना, जो कलर का पाथ होता है वो पाथ गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हमको बाई डिफॉल्ट हमेशा इसके कन्वर्ट लोकल फाइल पाथ टू रिलेटिव इसको ऑन करके रखना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको ऑन करके रखोगे तो क्या होगा, अब आप किसी भी दूसरे सिस्टम में खोलोगे तो मटेरियल आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। अभी जैसे हम लोग आगे कुछ चीज़ें कुछ ब्लॉक्स डाउनलोड करके देखेंगे तो उसके सारे के सारे मटेरियल ही गायब रहेंगे, क्योंकि उसकी जो क्या बोलते हैं सेट पाथ होता है ना, पाथ गायब रहता है, ठीक है। तो उसको हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। इसको अभी हमने ओके कर दिया, तो अभी ये ओके करने के बाद हम ये शेयर होंगे कि अगर हमने कोई मटेरियल गलती से डाला और किसी दूसरे सिस्टम में खोलेंगे तो वैसे ही वो मटेरियल दिखेगा, ठीक है। बहुत जरूरी चीज़ है। अब जैसे कि हमने कल पढ़ा था सर बॉक्स कोन, अब आज हम स्पेयर देख लेते हैं जिससे ये ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हमने स्पेयर लिया, स्पेयर लेके इस तरह से हमने स्पेयर पढ़ाया, ठीक है। स्पेयर पढ़ाने के बाद यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे रेडियस है, लाइक हमको जितना रेडियस चाहिए हम लोग यहाँ से रेडियस अपने डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये सेगमेंट्स है, जितने आप सेगमेंट काटेंगे उतने ज़्यादा सेगमेंट देखिए आपके दिख रहे हैं। अब जैसे ये गायब हो गया तो यहाँ पर कल आपको मिले जूम एक्सटेंड, ठीक है। यहाँ पर भी गायब हो गया तो जूम एक्सटेंड, और यहाँ पर भी गायब हो गया ऐसे करके तो जूम। अब यहाँ पर हमें सेगमेंट दिख नहीं रहा है तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके एज स्पेसिस पर क्लिक, एज स्पेसिस पर क्लिक किया तो हमारे सेगमेंट दिखने लगे। स्मूथ पर क्लिक किया, अगर हमने स्पेयर इसका हेमी स्पेयर कर दिया, देखिए कम जैसे करते जाएंगे तो क्या हो रहा है, जैसे मस्जिद का हमें गुंबद बनाना हो तो हम इजली बना सकते हैं इससे करके, और रियलिटी आपके इस तरह से इसको पीछे का डिलीट कर देंगे कल जैसे किया था पॉलीगन के लास्ट स्ट्रक्चर में। और इसके बाद हम लोग जितना इसको बढ़ाना चाहे उतना हम लोग इसको बढ़ा लें, उसको जितना घटाना चाहे उतना। हम लोगों ने स्लाइस भी कल पढ़ा था सर, और स्लाइस में क्या था कि हम लोग जैसे इसको स्टार्ट कर रहे थे ये कट हो रहा था, राइट। मैंने बोला था ना कि इस तरह का कोई सेफ है आप इस तरह से रख दीजिए, और देखिए इसके अंदर केक भी है, कोई फ्रूट आपको बनाना तेजी फ्रूट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फ्रूट का बाद में मटेरियल डाल देंगे, हर एक ब्लॉक में अलग अलग मटेरियल, रेड कलर का, ब्लू कलर का, जो भी फ्रूट का कलर चाहिए हम डाल के उसको हम लोग स्लाइस कर देंगे, ठीक है। अब यहीं पर हमारे पास जियो स्फीयर होता है, जियो स्फीयर में क्या होता है, जैसे आप जियो स्फीयर को बड़ा करते थे इसके अंदर पेंटागन एक्टागन और ट्रेंगल ट्रेंगल करके अलग अलग शेप्स आते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम इसको अभी देखेंगे, जैसे रेडियस देखेंगे तो रेडियस बढ़ रहा है, ऐसे सिग्नमेंट्स बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आपने टेट्रा कर दिया, देखिए क्या हो गया, सभी तीन तीन के डिवाइड हो गए, ठीक है। ऑक्टा कर दिया, ये देखिए सब अलग अलग पाँच पाँच करके ग्रेड बन रहे हैं इसके, ठीक है। और इसी में अगर आपने हेमी स्फीयर कर दिया तो देखिए क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ऑफ हो रहा है, ठीक है। और ये मैं ये दोनों सिर्फ अभी बाद में आएगी, क्या बोलते हैं, जनरेट मैपिंग कोड और रियल वर्ल्ड, तो इसको हम बाद में देखेंगे, जैसे नहीं आएगा उसके लिए अलग से डिपेंड जाना पड़ेगा। और इस पर क्लिक किए तो ये इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ पे हमने सिलेंडर पे क्लिक किया, और सिलेंडर पे क्लिक करने के बाद इस तरह से हमने सिलेंडर बनाना स्टार्ट किया, और देखिए हमारे पास। अब सिलेंडर का भी सेम है, रेडियस उसी तरह से, हाइट उसी तरह से, और हाइट सेगमेंट उसी तरह से जितना आपको सेगमेंट्स लेना है, और कैप सेगमेंट मतलब जो ऊपर की कैप है ये टोपी, तो ये हम लोगों ने कैप सेगमेंट इस तरह से बढ़ा लिया, और सेम स्मूथनेस और स्लाइस, ये सारे एक ही तरह के हैं। ट्यूब ट्यूब लिया, और ट्यूब लेके अभी इस तरह से ट्यूब लिया, और इस तरह से ट्यूब लेके जिससे हमें जो बेल बनाना है, कुआ बनाना है, तो हम इसलिए इससे तैयार कर सकते हैं। तो हमने इस तरह के चीज़ों को बस सेम सेटिंग है जो उसकी है वही सेटिंग इसकी है। और ऐसे ही टोरस है, टोरस में क्या होता है, लाइक इस तरह से देखिए सेप बनाता है, ये आपको टोरस होता है। तो टोरस में आपको रेडियस 1 जितना डालना डाल दीजिए, रेडियस 2 जितना डालना डाल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद रोटेशन कितना चाहिए आपको, इसको रोटेट करना है तो इस तरह से रोटेट कर सकते हैं, इसको जितना रोटेट करेंगे उतना ज़्यादा रोटेशन आएगा इसमें, और ट्विस्ट जितना करेंगे उतना ही घूमेगा। और इसके बाद साइड्स जितने डालेंगे आप उतना ही स्मूथनेस बनेगा इसमें, देखिए एकदम साइड में बढ़ा दिया, अब आप इसको रेंडर करेंगे एकदम स्मूथनेस बनाएंगे, और ये बगल बगल में ट्विस्ट किया इसलिए स्टेरिंग जैसा आ रहा है, ये जैसे कि कार वगैरह की स्टेरिंग होती है उस तरह का सेप बनाना है। यहाँ पे पिरामिड होता है सर, पिरामिड जैसे हम लोगों ने ऑटो कट पढ़ा था रेक्टागन पेंटागन वाला, सेम वैसे ही इधर भी होता है, बस इसमें 3D आता है, ठीक है। और जैसे आपने यहाँ पे विड्थ सेगमेंट बढ़ाया, देखिए विड्थ पे सेगमेंट बढ़ गए, ये आपके अपने जितना विड्थ बढ़ाना विड्थ बढ़ा दिया, डेप्थ जितना बढ़ाना उतना डेप्थ बढ़ा दिया, हाइट और अलग अलग तरीके के सेगमेंट्स आप लोगों ने करके कर दिया, ठीक है। ये अभी हम लोग बेस से ले रहे हैं, ठीक है। लाइक जैसे हम यहाँ से चल रहे हैं, देखिए ये जहाँ तक चल रहे हैं वहाँ तक हमारा बन जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सेंटर कर देंगे सर तो क्या होगा, ये देखिए आप सेंटर पे क्लिक कर रहे हो, जो सेंटर दे रहे हो उतना सेंटर जितना दे रहे हो उसके बाद वो हाइट लग रहा है, ठीक। तो ये भी हमको समझ में आ गया। अब इसके बाद होता है हमारा टीपॉट, टीपॉट इसमें बाई डिफॉल्ट बना हुआ एक ऑब्जेक्ट रहता है, इसलिए देता है सर कि अभी जैसे किसी किसी ऑब्जेक्ट को बना के उसमें मटेरियल डालना है, अब कितने बार आप मटेरियल बनाओगे, तो एक मटेरियल को इसने बना के दिया आपको प्रॉपर,
इसमें क्या होगा, आप इसमें सारे मटेरियल इसी के ऊपर देख लो आराम से कि इस मटेरियल में क्या यूज है, इस मटेरियल में क्या यूज है, एनी मटेरियल आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। अब इस टीपॉड को जितना आपको सिगमेंट देना है उतना सिगमेंट दे दी, उतना ही स्मूथनेस लेके आ रहा है इसमें, ठीक है। अब देखेंगे आप इसको किस तरह से दिखाई देगा। और अभी जैसे कि फिर से हम इसके रेडियस को बढ़ा देते हैं, इस तरह से रेडियस इसका बढ़ रहा है, कितना हमको रेडियस बढ़ाना होगा। या फिर अगर आप देखें तो यहाँ पर जैसे आप बॉडी पे क्लिक करेंगे, बॉडी क्या हो जाएगा, हैंडल पे क्लिक करेंगे हैंडल क्या हो जाएगा, स्पॉट्स पे क्लिक करेंगे स्पॉट्स क्या हो जाएगा, और लीड पे क्लिक करेंगे लीड, ठीक। तो इस तरह से हम लोग का ये होता है। इसमें भी वही एस और सेंटर का सेम गेम है, ठीक है। अगर आपने एस किया तो जितने दूर आप चलते जाएंगे उतने दूर पर आपका ये बने, जितना जितना चल रहा हूँ उतना बन लोगे। इस तरह से आपको एक चीज़ दिख रहा होगा सर, जितने भी ऑप्शन बने सबके कलर डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो ये इसके कारण हो रहा है। यहाँ पर देखिए कलर का डिफरेंस है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे और क्लिक करके देखेंगे सर, तो यहाँ पर हमारे पास ना असाइन रेंडर कलर्स ये ऑन है। ये ऑन होने का मतलब है कि जितने ऑब्जेक्ट आप बनाते जाओ उतने रेंडर कलर आपके असाइन होते चले जाए, ठीक है। मैंने जैसे इसको ऑफ कर दिया और ओके कर दिया, अब आप जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये देखिए उसी कलर का बना, ठीक है। और आप जैसे अभी इस पर लिया उसी कलर का बना, ठीक है। तो ये जब ऑफ रहेगा तो आपको डिफरेंट कलर नहीं देगा, उसी कलर में आपको सारी चीज़ देगा, ठीक है। और लेकिन अगर ये ऑन रहा तो जितने ऑब्जेक्ट आप बनाओगे उतने ऑब्जेक्ट का नया नया कलर आपके यहाँ चले जाएगा, ठीक है। सर इसको सिलेक्ट करके आप डिलीट भी कर सकते हो। तो अभी जैसे इसको यहाँ से भी कर सकते हैं सर, इसे सेलेक्ट किया कंट्रोल ले किया, ये सारे सिलेक्ट हो गए कंट्रोल से, ठीक है। दूसरा आप इसको ना यहाँ पे सिलेक्शन कर दे सिलेंडर लिया और ये सिलेक्ट करके इस तरह से कमांड से लेते, तो ऐसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से ये लिया सिलेक्शन का, ठीक है। और ये लेके बस आपको ऐसे कर दिया नॉर्मल चल जाएगा, जितने भी आप चलोगे उतना रेक्टेंगल आपका सेलेक्ट हो जाएगा और सेलेक्ट होकर आप यहाँ से डिलीट कर सकते, ठीक है। तो ऐसे भी डिलीट कर दिया ऐसे, और यहाँ पर राइट क्लिक करके डिलीट कर देखा ही है लास्ट लेक्चर में। तो इस तरह से अब यहाँ पे प्लेन है, प्लेन हमने कल आपको बताया था जैसे हमें स्लैब बनाना है, तो इसलिए हम लोग ऐसे स्लैब के लिए पहन लिया। और प्लेन लेने के बाद अब हमें कल एक कमांड लगाई थी सेल कमांड थिकनेस को ऐड करने के लिए, तो इसलिए आप क्या करो यहाँ पे जाओ और यहाँ से सेल कमांड लेके सेल कमांड लिया और सेल कमांड लेते हैं, देखिए आप क्या आ गया, ठीक है। थिकनेस आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब आपको जितना थिकनेस चाहिए, ठीक है, आउटर अमाउंट जितना चाहिए आउटर अमाउंट बढ़ा दीजिए, जितना इनर चाहिए उतना इनर बढ़ा दीजिए इस तरह से, ठीक है। और जैसे आप इसके सेगमेंट्स को काटेंगे, हम जैसे एक सेगमेंट को काट दिया, ठीक है, क्या हो गया, दो पार्ट हो गया। अब दो पार्ट होने का फ़ायदा क्या है, आपने देखा होगा स्लैब में लाइक किसी कुछ लोग के रूफ में क्या होता है डिजाइंस बनी होती है, लाइक एक स्टेप अंदर होता है, एक स्टेप उसके ऊपर होता है, एक स्टेप उसके ऊपर होता है, ऐसा डिजाइन लगती है। तो उसके लिए क्या करिए, आप जैसे सीमेंट हमने बढ़ा दिया तीन कर दिया, ठीक है, और एक मस्ती होता है, तो तीन करके हमने इसको ग्रेड ऑफ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक किया कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके अब मैंने इस सिस्टम को बढ़ा लिया, राइट क्लिक एक्सट्रूड इस तरह से थोड़ा सा कम इस तरह से कर दिया। अब इसको सेलेक्ट किया इसी फेस को, इसको भी हमने एक्सट्रूड कर दिया, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया। अब चार सेगमेंट किए होते तो हम चार को बढ़ा देते सर, तो देखिए रूफ की ये देखिए रूफ स्लैब में आ जाएगा डिजाइन, ठीक है। यहाँ पे अंदर फिर बाहर फिर ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्लैब के डिजाइन कर लेंगे। तो ये थे हमारे सर बेसिक्स प्राइमरी ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद हम देखेंगे ये हमारे थे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स, ठीक है, स्टैंडर्ड साइज लिया और उसको बनाया। इसके बाद हम लोग देखेंगे शेप्स के बारे में, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स खुद से कैसे बनाए। अभी हम खुद से लाइव कर रहे हैं ड्रॉ कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं खुद से हम लोग स्टैंडर्ड पैरामीटर